वेलकम बैक मेरे चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनु स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूट्यूबर्स रेस्पॉन्स मम। और प्लीज़ वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाने आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो है साड़ी का पल्लू, मतलब साड़ी का पल्लू जिगजैग टाइप में कैसे बनाएं। साड़ी का हम लोग क्या होते हैं ना कि किसी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो एक ही तरीके से हम लोग साड़ी मतलब वेयर कर लेते हैं। और आज हम कुछ डिफरेंट तरीका आप लोगों को पल्लू डालने का बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कैसे बताया हुआ है। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। मैं आप लोगों को इससे क्या होता है, हमारी जो मम्मियाँ होती हैं फिर हम लोग होते हैं कि साड़ी में एक ही पल्लू डाल लेते हैं और चले जाते हैं। तो मैं यहाँ सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में कुछ डिफरेंट तरीका शेयर करते हैं। तो आज का मेरा है कि पल्लू को हम जिग जैग कैसे बनाएं साड़ी का पल्लू, तो कुछ उसका लुक भी अच्छा लगे और पहनने भी हमको कम्फर्टेबल फील हो और अच्छा देखने में भी हमको दूर से अच्छा लगे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए, तो वही सोचा तो चलिए आप लोगों को साथ में शेयर करते हैं। सो गाइस, मैंने साड़ी को अच्छे से पहन लिया है और मैंने इसका पल्लू देखिए इस तरीके से कुछ निकाला और यहाँ पे मैंने पिनअप भी कर लिया है और इसको मैंने काफी टाइट किया हुआ है ताकि ये ढीला ना रहे। तो यहाँ से मैंने काफी टाइट इसको कर लिया है। और आप लोग ये सोचते हैं मैं ये साड़ी बार बार पहन के आ जाती हूँ, पर मुझे ये साड़ी ना मतलब कि मैंने लोकल मार्केट से ली है, पर इसका ना मुझे कलर और पहनने में ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इसी साड़ी को मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसी को पहनती, और भी साड़ी मैं पहनती हूँ। तो घर में मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ। तो क्या करना है आप लोगों को, ये इसको यहाँ से ये चीज़ आप लोग जो देख रहे हो, ये जो नीचे का ये चीज़ है, इसके बाद ये जो दूसरा वाला बॉर्डर है, इसको मुझे क्या करना है, पहले तो इसको अच्छे से आप ये देखिए यहाँ से इसको मतलब कि ये पूरा बराबर है ये, इसके बाद में हमको ऐसे डालना है और इसको फिर ऐसे करके थोड़ा सा हमको ऐसे ऐसे खींचना है। ये आप देख रहे हो इस टाइप में हो गया है। इसके बाद में मुझे ये अब छोटी छोटी मुझे प्लेट बनानी है, जैसे कि हम प्लेट बनाते हैं ना उसी टाइप में मुझे यहाँ से ऐसे प्लेट बनानी है। ये देखिए तो ये ना बहुत डिफरेंट तरीका है और बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे प्लेट बना लेनी है और मैंने यहाँ पे पिन लगाया हुआ है, आप लोग या फिर बाद में भी लगा सकते हो, इसके साथ में भी पिनअप कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है इसका पल्लू, ये देखिएगा इस टाइप में आ गया है, ठीक है इस तरीके से हो गया है। इसके बाद में मैं इसको पिनअप कर लेती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे इसको मैंने ऐसे पिनअप कर लिया, ये देखिए इसके, और ये देखिए जैसे यहाँ पे ये पतला सा पल्लू हो गया, ये देखिए अच्छा लग रहा है। अब इसको क्या करना है, ये जो मैंने ढीला ढीला रखा हुआ है इसको ऐसे खींचिएगा, ये यहाँ पे जो ऐसे लटका दिख रहा है। इसके बाद में मुझे भी ये वाली प्लेटें बनानी है, इसी के ऊपर जैसे ये बनी है पतली पतली प्लेटें, ये देखिए ऐसे करके छोटे छोटे प्लेटें जो मैंने बनाई थी वैसे ही यहाँ पे भी प्लेटें बनानी है। ये देखिए इसे ये इस तरीके से ये कुछ इस तरीके का लुक देगा, ये देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे पिनअप कर सकते हो ऐसे आपको ये, या फिर आपको अगर बड़ा चाहे हो बड़ा चाहते हो तो आप बड़ी प्लेट भी नहीं बना सकते हो, पर अब मैंने जैसे यहाँ पे पिनअप किया है पिन लगाया है इसी टाइप में हमको यहाँ पे भी ऐसे ही पिनअप करना है। ये देखिए छोटी छोटी प्लेटें ज़्यादा ही मतलब अच्छी लगेंगी,
तो आप हो सके तो छोटी छोटी ही प्लेटें बनाएं, और पल्लू का जो है बॉर्डर ये सेम ही ऐसे तरीके से रखिएगा तो ये कुछ अलग सा लुक देगा। ये देखिए हमको ऐसे छोटी छोटी प्लेटें बना लेनी है, और इसके बाद में आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ये वाला लुक भी अच्छा रहेगा। ये देखिए आप इसको क्या करना है, यहाँ पे एक अच्छी सी मतलब की सेफ्टी पिन लगा लेनी है आपको, ऐसे यहाँ पे ऐसे पिन लगा लोगे तो ये भी आपका अच्छा लुक देगा। और ये जो ये बॉर्डर है आप इसको ऐसे ले जाइए, ये देखिए तो आप इसको ऐसे अंदर, या फिर कोई अच्छा सा पिन लगा सकते हो तो वो भी अच्छा सा लुक देगा। ये देखिए इसको आप ऐसे कर दीजिए, सो ये देखिए कैसा लग रहा है। ये मेरा पल्लू साड़ी का कुछ डिफरेंट तरीका है, आप लोगों को हो सकता है शायद आप लोगों को पसंद आएगा। और ये यहाँ पे देखिए ये चीज पूरा जिगजैग बॉर्डर है, ये देखिए इस तरीके का। और अब आप ऐसा नहीं पसंद करते हो तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे ये चीज जो मैंने यहाँ पे प्लेट बनाई थी आपको अंदर से या फिर पिनअप कर सकते हो या फिर बाहर से पिनअप कर सकते हो। ये देखिए ये सो कैसा लगा मेरा ये तरीका। और इसके आप ये देखिए ये मतलब दूर से बहुत ही अच्छा लगेगा, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको आप ऐसे करके आप ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ये चीज आप दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे ये जिग जैग टाइप में हो गया है पूरा। तो ये देखिए कुछ यहाँ से डिफरेंट है, ये देखिए अलग सा है डिफरेंट कुछ अलग, बहुत ही यहाँ पे यहाँ से भी आपको ये लुक रहा है। और तो सो गाइस वीडियो कैसी लगी देखिए आपको, आपको ये लुक अगर आप पार्टी में वेयर करोगे इस तरीके से तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही डिफरेंट तरीका है जो मैंने बताया आप लोगों को। सो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ये देखिए आपको अगर नहीं आपको किस तरीके की अगर कुछ अलग तरीके से रखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग सिर्फ ऐसा, ये देखिए ये भी मतलब कुछ अलग ही तरीका है। और आप जब बॉर्डर वाली साड़ी पहनोगे ना तो ये जो किनारा का जो बॉर्डर होगा ना, तो ये जब यहाँ पे ऐसे ये मेरे ऐसे मैंने सिंपल साड़ी पहन ली थी तो ये जो बॉर्डर होगा ना ये ऐसा लुक देगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। जब ये बॉर्डर यहाँ पे मेरा ये हल्का सा चौड़ा या फिर पतला आप जैसा भी रखना चाहोगे तो जब यहाँ पे ऐसे बॉर्डर आएगा तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। और इसके बाद मैंने दो आप लोगों को तरीके बताए हैं, अगर जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो आप लोग ऐसे वेयर कर सकते हो। तो और इसका पल्लू आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से आएगा एकदम जिग जैग स्टाइल पूरी। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ में, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचे। और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो मतलब ले पाऊँ और दे पाऊँ आप लोगों को, और ताकि आप लोगों को भी पसंद आए और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को कमेंट करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को कौन सा मतलब अच्छा लगा जो मैंने बताया जिग जैग स्टाइल जो भी है जो मैंने बताया आप लोगों को कि आप ऐसे वेयर कर सकते हो कैसे वेयर कर सकते हो, तो आप लोगों को कौन सा पसंद आया। और साड़ी तो पता है आप लोगों को यही लगा होगा कि मैं रोज ही पहन के बैठ जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैं घर में साड़ी पहनती नहीं हूँ बस, ज़्यादा नहीं हाँ कभी कभार पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी ही नहीं पहनती हूँ, पर पहनती हूँ कभी कभार पहन लेती हूँ। और पर ये कुछ मतलब
क्या होता है कि कुछ साड़ियाँ होती हैं जो कंफर्टेबल फील करती हैं ना, कि वो बहुत अच्छा लगता है पहनने में, तो वही है, तो मैं वही सी साड़ी पहन लेती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।